वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में एक और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कुछ लम्हे के लिए खामोशी का एक सामान सा बन जाता है कि कुछ सेंसिटिव इश्यूज होते हैं जब हम पे बात करते हैं, और तकरीबन हर तीसरे चौथे घर में आजकल के जो सबसे बड़ा मसला है कि अपने बच्चों के साथ हमने उनकी तरबियत कैसे करनी है। लाइफ बहुत बिजी हो चुकी है और टफ भी हो चुकी है, तो उसमें माँ बाप दोनों ने किरदार अदा करना होता है, मगर साथ रिलेटिव्स का भी बहुत उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और ऐसे में जहाँ पर मेंटल हेल्थ के इश्यूज आते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में सैडली ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इतनी आगाही नहीं है, और हम किरदार अदा करना चाहते हैं राइजिंग पाकिस्तान यहाँ से कि हम उस आगाही को आम करने में अपना रोल प्ले कर सकें। सो जैसे कि हम उस हर जैसे सबीन भी आपसे कह रही होती हैं, अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, प्लीज़ करें। ऐसे ही एक माँ ने हमसे रब्ता किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उन्होंने राइजिंग पाकिस्तान से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि ऑटिज़म के सब्जेक्ट पर मैं आना चाहती हूँ, मैं मुझे आप ये प्लेटफॉर्म दें जहाँ से मैं एजुकेट कर सकूँ, लोगों को बता सकूँ। और अक्सर जो माएँ जो दर्द और तकलीफ को सह रही होती हैं, इवन के बाप भी इसको समझ नहीं पा रहे होते हैं, तो हमने उन्हें वेलकम किया। हमारे साथ आई हैं अमरीन सुहेब, और इस सेंसिटिव इशू के ऊपर वो आपको एजुकेट भी करेंगी, हमें भी बताएंगी, और जिन तजर्बा से वो खुद गुजरी हैं वो भी बात शेयर करेंगी। जी तो अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसी हैं आप? अमरीन, हम बार बार इस टॉपिक को हम सेंसिटिव इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि लोग इनसेंसिटिव होते हैं इन चीज़ों के बारे में। हमें बात इसके ऊपर करनी चाहिए और बार बार करनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी इनसेंसिटिव हो जाती है। अमूमन तो हमें इसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहना चाहिए, सेंसिटिव टॉपिक नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये एक वजह है जिसकी वजह से हम ये बात करें। और हमारी डिस्कशन इससे पहले भी थोड़ा ऑफ स्क्रीन हम बात कर रहे थे और आप अपने चैलेंजेस भी शेयर कर रही थी, तो मैं चाहूँगी कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से आपके एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने आपको मजबूर किया कि भाई आप हमसे कांटेक्ट करें और आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए आके खुल के? तो पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आपने हमसे राबता किया और आप आकर हमारे पास बैठी हैं यहाँ पर और हमसे बातचीत करी हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उन चैलेंजेस के बारे में हमसे बात करें। हेलो सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पी टी वी हैज़ बीन क्लोज टू माई हार्ट सिंस माई चाइल्ड हुड, आई थिंक इट्स टू एवरीबडी। मैं एक मदर हूँ, आई एम अ हाउस वाइफ, मेरे ट्विन्स बेटे हैं माशाल्लाह, उनको ऑटिज़म है, एंड ऑटिज़म इज़ अ वर्ड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर लोग खुल के बात नहीं कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, लेकिन मैं पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आती हूँ क्योंकि मेरी मदर है, मेरी फैमिली है यहाँ पे। मुझे जिस चीज़ ने मजबूर किया कि मैं बिल्कुल सोशल नहीं हूँ, लेकिन एक नेशनल टीवी पे मैं इसलिए आना चाहती थी क्योंकि ऑटिज़म इज़ अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, और ये दुनिया में बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, मेरे दोनों बेटों को है, एंड आई लव देम। मैं तो बिल्कुल मुझे मैं लोगों को बताती हूँ, लोग आगे से मुझे कहते हैं वी आर वेरी सॉरी, तो मुझसे कहते हैं जी डोंट बी लाइक यू नो, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से और ये किसी के साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान में मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी लॉन्ग रोड, अभी भी लोग इस पर खुल के बात नहीं करना चाहते। अगर आप चाहें बात हम इस पर खुल के करेंगे, आप पहले ज़रा बता दें क्योंकि हमने लोगों को एजुकेट करना है कि क्या कैसे बच्चे बिहेव करते हैं, क्या वो बच्चे करते हैं कि हम कहते हैं ऑटिज़म है, कौन से साइंस होते हैं? ऑटिज़म बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इट्स अ कंडीशन, कुछ लोग इसको डिसेबिलिटी बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है इट्स अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। इसमें ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होती, अगर हम आसान वर्ड्स में बोलें। इसका कोई इलाज नहीं है सबसे पहले, और मैं बार बार अगर ये बात कर सकूँ तो मैं लोगों को यही कहूँगी कि अगर कोई आपको कहता है कि ऑटिज़म क्योर हो सकती है, उससे दूर भाग जाएं आप, क्योंकि देर इज़ नो क्योर। और ऑटिज़म के साइंस जो हैं वो आपके बच्चे में 6 मंथ्स से लेके 2 ईयर्स तक बड़े क्लियर हो जाते हैं, और ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम है, हर बच्चा जो आप ऑटिज़म पे देखते हैं वो दूसरे बच्चे से डिफरेंट होता है। मेरे ट्विन्स बेटे हैं लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। और ऑटिज़म कैसे पता लगता है कि है, इट्स जस्ट ऑब्जर्वेशन, आपको बच्चे को ऑब्जर्व करके पता लग जाएगा, क्योंकि देखें एक नॉर्मल बच्चा जैसे बड़ा होता है या ब्लूम करता है, हमें पता है एक बच्चा क्या करता है, आवाज़ें निकालता है, आप उसको देखते हैं वो आपको देखता है, इशारा करता है चीज़ों की तरह, कहते हैं वो देखो बर्ड, बच्चा फ़ौरन देखता है, या वो देखो मामा आप। मुझे कैसे पता लगा था, मेरे मुझे वो मोमेंट भी अभी तक याद है, वो आपको कभी नहीं भूलता। मैं पाकिस्तान आई हुई थी और मेरा एक बेटा रो रहा था, और मेरे जो फादर हैं उन्होंने उठाया हुआ, तो उसको मैं नीचे आई, उन्होंने कहा वो देखो मामा आ गई, और मैंने अपने बेटे को देखा, ही वाज़ जस्ट लाइक, एक होता है ना कि जैसे उसको आवाज़ ही नहीं आ रही थी, और वो रो ही जा रहा था, मैं आई, मैंने उसको उठाया, वो रोता रहा, और मुझे उस वो 9 मंथ्स का था तब, और उस टाइम मुझे हुआ कि लाइक कुछ है, लाइक बच्चा ऐसे नहीं होते, यू नो, बच्चे माँ के साथ काम डाउन हो जाते हैं, वो आधा घंटा रोता रहा और फिर वो काम डाउन हो गया।
क्योंकि मेरे पहले बच्चे थे ये, इसलिए पहली दफ़ा जब आप माँ बनते हैं तो आपको उतना एक्सपीरियंस भी मदरहुड का नहीं होता. और फिर ट्विंस थे. और ये एक मिथ है कि ट्विंस हर चीज़ लेट करते हैं हमारे यहाँ. मेरी मदर भी मुझे कहती थी, मुझे मेरी मदर इन लॉ भी कहती थी, क्योंकि मेरे बच्चों ने माइलस्टोन्स अचीव नहीं किए. वो टाइम पे बैठे नहीं, टाइम पे चले नहीं, उनका आई कॉन्टेक्ट नहीं था, और वो नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते थे. और वो हाथ बहुत ज़्यादा अपने हाथ देखते रहते थे बस, यू हर एंगल से. और सब हंसते थे कि ये कितनी क्यूट हरकतें करते हैं, और लाइक वो बहुत क्यूट और चबी थे. और मैं अपनी मदर से कहती थी कि कुछ है, कुछ यू नो, कुछ गलत है, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ ठीक नहीं है. अपने हस्बैंड से मैं कहती थी, तो कहते थे नहीं, तुम्हारा ना बस यू आर ओवर थिंकिंग, तुम सोच रही हो, तुम पहली दफ़ा माँ बनी हो, इट्स जस्ट फाइन, हम बाहर रहते हैं, बच्चे अकेले हैं. लेकिन एक चीज़ जो मैंने अपने इस एक्सपीरियंस से सीखी, एज अ मदर आपको लगता है अगर कि कुछ गलत है आपके बच्चे में, प्लीज़ जस्ट अपनी उस सेंस को फॉलो करें और भूल जाएं कि लोग क्या कहते हैं. तो कोई भी बच्चे ऐसा बिहेवियर जो कि आपको लगता है कि उस टाइम पे आपको नॉर्मल नहीं लग रहा, exactly. तो आप उसकी तरफ ध्यान दें, उसको इग्नोर नहीं करना exactly. चाहिए. एक बच्चा है, एक ही पोएम को बार बार देख रहा है, आप उसको स्पेशली आई कॉन्टेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बच्चे आई कॉन्टेक्ट नहीं देते. एक ही पोएम को बार बार सुनना, एक ही रूटीन में सेट हो जाना. जैसे मेरे बच्चे स्ट्रेट रोड के आदि हैं, तो वो कहीं पर भी टर्न कर जाते थे हम, तो वो इतना रोते थे कि हम घबरा जाते थे कि लाइक दिस इज़ वेरी वियर्ड, ये क्यों ऐसे तो नहीं होता. फिर 2 साल के बाद मुझे फील होना शुरू हुआ उनके सेकेंड बर्थडे के बाद कि कुछ है, कुछ ठीक नहीं है. मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कुछ है, इज लाइक नहीं, तुम ओवर थिंकिंग करी हो. बस 2 साल पे आवाज़ एक साइकोलॉजिस्ट के पास मुझे जाना है, क्योंकि एज अ मदर मुझे लगता है कि कुछ गलत है. साइकोलॉजिस्ट के पास हम गए, उन्होंने मुझसे 3 सवाल किए. उन्होंने कहा आपको क्या कंसर्न है? मैंने कहा ये नाम पर रिस्पॉन्ड नहीं करते, मैं इनको बुलाती रहती हूँ पास से दूर से, ये नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही मैं किसी पोइम का नाम लेती हूँ या किसी खाने की चीज़ का नाम लेती हूँ, ये फ़ौरन देखते हैं. तो ये हेयरिंग का मसला तो नहीं है, ये कुछ और है. उन्होंने कहा अच्छा आप किसी चीज़ को पॉइंट करती हैं, जैसे वो बर्ड या यू नो, जैसे बच्चों को आप कहते हैं वो देखो एरोप्लेन, तो बच्चे फ़ौरन देखते हैं. या अगर बोल नहीं भी सकते बच्चे, कुछ स्पीच डिलेड बच्चे होते हैं, तो वो आपको इशारा करके मांग लेते हैं चीज़ के, ये चाहिए, आपका हाथ पकड़ के ले जाते हैं उस चीज़ पे रख देते हैं, ये करते हैं. मैंने कहा नहीं करते. और मैंने कहा ये आपसे कैसे चीज़ मांगते हैं? मैंने उस टाइम मुझे हुआ कि अच्छा ये तो मेरे से मांगते ही नहीं है कुछ, मैं खुद अज्यूम करती हूँ कि अब इनको ये चाहिए, इनको ये चाहिए. उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे कहा कि आई थिंक आपके बच्चों को ऑटिज्म है. और मैंने अपने हस्बैंड को देखा, एंड मेरे लिए तो इट वाज वेरी यू नो, बहुत, मैं पूरी ज़िंदगी वो मोमेंट नहीं भूल सकती. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, एंड मेरे हस्बैंड को तब भी नहीं पता था कि ऑटिज़म क्या है. और मज़े की बात ये है कि अब गूगल और इंटरनेट का दौर है, तो आप फ़ौरन इंटरनेट पे डालते हैं कि मेरे बच्चे में ये है, तो क्या सिम्टम्स हैं. तो सबसे पहला वर्ड मुझे याद है 1.5 साल पर जो आया, वो ऑटिज़म था गूगल पर जब मैंने डाला. अब मैंने फ़ौरन से लैपटॉप बंद कर दिया. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप कभी भी नहीं सोचते कि आपके बच्चे को यू नो ऐसी कोई चीज़ होगी इतनी बड़ी. और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि लाइक तुमने सुना कि इन्होंने क्या बोला? उसको तब भी समझ नहीं आया. मैं इतना रोई उस, मुझे वो मोमेंट नहीं भूलेगा कभी. और मैंने उसको कहा कि तुम्हें पता है ये क्या कह रही है, कि हमारे बच्चे स्पेशल हैं. एंड आई रिमेंबर फॉर गुड 6 मंथ्स मैं कंप्लीट डिप्रेशन में थी, और मुझे नहीं पता था, क्योंकि मुझे ट्विंस का शौक भी बहुत था. मैं हर किसी से कहती थी, अपनी पेरेंट्स से, प्लीज़ अब दुआ करें मुझे लमिया ट्विंस दें. एंड लमिया ने दिए. 6 महीने लगे मुझे इस चीज़ से बाहर निकलने में कि ओके इट्स फाइन. और फिर मैंने देखना शुरू किया कि ऑटिज़म क्या है, डिटेल में पढ़ना शुरू किया. और मैं कहती हूँ हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसे दौर में हैं कि हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सपोर्ट ग्रुप्स हैं. आगे पीछे जब मैंने देखना शुरू किया, तो एक चीज़ जिसने मुझे काम डाउन किया वो ये थी कि मैं अकेली नहीं हूँ. बहुत से माँ बाप हैं जो इस चीज़ में हैं, बहुत से माँ बाप हैं जो सेम जर्नी से गुजर रहे हैं, बहुत से माँ बाप हैं जिनके मेरे फादर हुज नो मोर, वो मुझे हमेशा एक बात कहते थे कि ऐसी कोई जब हालात आते हैं ना, तो अपने से नीचे देखो. अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए यू हैव टू लुक डाउन कि तुम्हारे बच्चे चलते हैं, दौड़ते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं. ऐसे भी लोग हैं जो फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी दोनों के साथ बच्चों को भी पाल रहे हैं, तो यू विल फील बेटर. और मुझे ये बेसिकली ये तो आपकी, ये आपकी अपनी जर्नी है. और मतलब अगर आप सोचें भी, तो एक वो मोमेंट जिससे आपने बताया कि वो अभी भी आपके माइंड में है, जब आपको डॉक्टर ने बताया, और उसके बाद यू नो, क्योंकि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हेल्दी हों. बिल्कुल. और उसके बाद आ जाता है कि अब एक चीज़ माइंड में, जो आप डिप्रेशन में भी गई और सारी चीज़ें, आपने कहा अकेली नहीं है, वो डेफिनेटली सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चला सब. लेकिन उसके बाद चैलेंजेस और क्या क्या आपने फेस किए सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें? खुद तो आपने इस चीज़ को, क्योंकि आप माँ हैं, किसी ना किसी तरह तो आपने उसको केटर किया होगा किसी तरीके से, लेकिन क्या चैलेंजेस थे? उसके बाद क्या हुआ? उन 6 मंथ्स डिप्रेशन से बाहर निकली, उसके बाद क्या हुआ?
उसके वजह से मैं बाहर निकली, फिर मैंने देखना शुरू किया कि अच्छा थेरेपीज में क्या है, इफ़ दिस ए कि क्योर नहीं है, इसका इलाज नहीं है तो फिर क्या है। फिर मुझे पता लगा इसकी थेरेपीज़ हैं, ABA है, स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे लगता है एज अ मदर ऑफ टू स्पेशल किड्स अब वो है फाइनेंशियल इसकी साइड, क्योंकि इसकी थेरेपीज बहुत महंगी हैं पूरी दुनिया में। वो सबसे बड़ा चैलेंज आता है सबसे पहले, क्योंकि एज माँ बाप आप अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी थेरेपीज में डालना चाहते हैं। शुरू का जो एक साल होता है ना, उसमें लिटरली आप बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, और आप बच्चे को जल्दी जल्दी सब कुछ दिलाना चाहते हैं कि मैं ये भी किसी तरह मैनेज करके फाइनेंसिस में दे दूँ। फिर उसके बाद आता है कि फैमिलीज़ को बताना, फैमिलीज को एक्सेप्ट करवाना कि ओके ये हो गया है और ये रहेगा। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है कि लोग ऑन नहीं करना चाहते, लाइक ये एक जेनेटिक, लाइक अभी तक देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न कि ऑटिज्म इस वजह से होता है, ठीक है, अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है, लेकिन जो अभी तक रीजंस आए हैं वो ये है कि मोस्टली इज़ जेनेटिक और फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो अगर ये जीन्स है तो हमारे यहाँ ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है कि अच्छा हमारे यहाँ तो किसी को नहीं था, अच्छा ये अब जीन्स, ये एक वर्ड आ गया है कि ये जेनेटिक है। अगर ये जेनेटिक है भी सो वॉट, आपके बच्चे को ऑटिज़म हो गया है, जस्ट मूव ऑन। फिर उसके बाद आप अपने फाइनेंसेस देखें, और तीसरी बात ये कि एजुकेट करना खुद को, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप इंटरनेट खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नेगेटिव पॉजिटिव, आप ओवरवेल्म हो जाते हैं। आप फिल्टर डाउन करें, फिल्टर डाउन करना, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकालना, और ये यू नो एक जर्नी है। मुझे लगता है कि एकदम से आप कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाते अपने बच्चे की कंडीशन के, क्योंकि इस जर्नी की बात करें, मैं चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ जो कनेक्ट होते हैं ना लोग पूरे पाकिस्तान से, तो वो माएँ भी कनेक्ट होती हैं कि जो आपकी तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकती, समझ नहीं सकती हैं, और जब बच्चे एग्रेसिवली बिहेव करते हैं तो माएँ बजाय उनके साथ काइंड होने, आवाज़ नीचे रखने के, या बाप भी उनके साथ सख्ती से पेश आते हैं, वो नहीं समझ पा रहे थे कि हमारा बच्चा किस तकलीफ से गुजर रहा है, और उल्टा उसकी तकलीफ को वो डबल और ट्रिपल कर देते हैं और बच्चे का एग्रेशन उसका मल्टीप्लाई होने लग पड़ता है। तो ऐसी माओं को आप क्या बताएंगे, या ऐसे बाप को क्या बताएंगे वालदैन को, कि इन बच्चों के साथ आप मुझे ज़रा बताएं कांडली कि कभी उन्होंने कोई एग्रेशन किया हो तो उस एग्रेशन को उन्हें कूल डाउन आप कैसे करती हैं। क्योंकि सबसे पहली चीज़ है ऑटिज़म को लेके, आपको अपने बच्चे के साथ पेयरिंग करनी पड़ेगी। आपको ऑटिज़म की एक सिंपल डेफिनेशन ये है कि आपका बच्चा एक ट्रांसपेरेंट बबल में रहता है, वो उसकी एक दुनिया है, उससे वो बाहर नहीं आएगा। आपने उस दुनिया में जाना है, उस ट्रांसपेरेंट बबल में आपने जाना है, उसके लिए आपको अपने बच्चे के लेवल पर जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, एज़ पेरेंट्स हम ये करते हैं कि हम अपने लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन से बच्चे को डील करते हैं कि तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। अब ऑटिज़म में कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते, कुछ बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल आपको लगेगा कि ये बातें भी करते हैं, बिल्कुल यू नो वेरी फाइन। उनके साथ और भी ट्रिकी हो जाती है सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो हैं उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लो डाउन करें, अपने बच्चे का लेवल देखें, एक इस रियलिटी को सबसे पहले एक्सेप्ट करें, और ये चीज़ जहन में रखें कि ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता आपका बच्चा सीखेगा। आई रिमेम्बर मेरे बेटे ने 4 साल में आके 1 to 10 काउंटिंग सीखी थी, और मैं पाकिस्तान आई थी, एंड आई वाज सिटिंग विद सम फैमिली मेंबर, और मेरे बेटे ने बैठे बैठे आई वाज लाइक डू यू वांट टू काउंट, एंड लाइक 1 to 3 उसने 10 तक काउंट किया। मैंने कहा वेरी गुड, और मैंने तो वो खातून थी, मैंने उनसे कहा कि देखिए इसे माशाल्लाह सीख लिया, इसको सिर्फ 10 तक गिनती आती है। तो मैंने उनको ये देखा, एट दैट पॉइंट मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर मुझे हुआ कि ये नहीं, ये स्ट्रगल को नहीं समझ सकती जिससे मैं गुजर के, मैंने एक साल लगाया अपने बच्चे को 1 to 10 सिखाने में, मेरे लिए इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल मोमेंट। सो एज पेरेंट्स आप कंपेयर मत करें। हमारे यहाँ मसला ये है कि बड़ी जल्दी लोग कहते हैं कि अच्छा फलाने का बच्चे, उसको ऑटिज्म है, उसको वो तो बड़ा ब्रिलियंट है, उसमें तो एक एक्स्ट्रा टैलेंट है। हर ऑटिस्टिक बच्चे में टैलेंट नहीं होता। ऑटिज्म आसमान जितना बड़ा स्पेक्ट्रम है, कुछ बच्चे बहुत माइल्ड हैं, कुछ बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं। लोग बच्चों को ऑटिज्म होता है, मैं पाकिस्तान आई मुझे पहली बात कहेगी स्टीव जॉब्स को ऑटिज्म था, सो डोंट वरी, आइंस्टाइन को ऑटिज्म था। और शुरू में आप कहें आप ओवरवेल्म हो जाते हो, इतनी बातें आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी। आप सारी दुनिया को पीछे छोड़ दें, फोकस ऑन योर चाइल्ड। एज माँ बाप अगर आप अपने बच्चे के साथ काम डाउन हो के भूल जाएं लोग क्या कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये पेरेंट्स को कहती हूँ कि मेरा बेटा है उसको सेल्फ हिटिंग का इशू है, एक मॉल में मैं जा रही हूँ उसको लाइट से प्रॉब्लम है, वो अपने आप को हिट करना शुरू कर देगा अगर वो मुझे बता नहीं सकता, या वो ही इज इन अ बैड मूड। अच्छा लोग देखेंगे, मैं तो अब इस चीज़ से I'm cool with it. फिर इसको कैसे आप कॉप अप करते हैं? फिर ऐसे मॉल्स में आप नहीं लेके जाते जहाँ मैं जरूर लेके जाती हूँ, मैं क्यों ना लेके जाऊँ। देखिए एक चीज़ पेरेंट्स को सीखनी चाहिए कि दीज किड्स
इनको पूरा राइट है ज़िंदगी को इंजॉय करने का विद द कंडीशन जो उनको है. आप बच्चों को ज़रूर बाहर निकालें. अब ये आपको समझना है पहले कि आपके बच्चों को शार्प लाइट से मसला. मेरे बेटे के लिए ये लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं. ये मैं माँ हूँ, मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा. सो ये मेरी जॉब है, मेरे हस्बैंड की जॉब है कि हम पहले आपको कह दें अच्छा ये लाइट्स थोड़ी डिम कर दें, या फिर हम ऐसी जगह पर बच्चों को लेके आएँ या कम लाइट वाली जगह पे लेके जाएं. लेकिन क्योंकि बच्चों को सेंसरी इश्यूज भी होते हैं, आप अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा समझते हैं, तो उसकी दुनिया को आपने आगे लेके चलना. लेकिन इसके साथ साथ आप जो बता रही हैं कि आपने बच्चे को भी समझना है, आपने बहुत सारी चीज़ें उनके साथ आपने डील भी करना है, और माशाल्लाह से आपके ट्विंस बॉयज़ हैं, और लेकिन उसके साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी तो मद्देनजर रखना पड़ता है ना. अगर आप खुद से ठीक नहीं हैं, क्योंकि अभी स्पेशल पेरेंट्स जो अभी हमें देख रहे हैं जिनके पास स्पेशल बच्चे हैं, अल्लाह ताला की नेमत है, सो वो किस अपने आप को किस तरह से ठीक कर सकते हैं. जिस तरह 6 मंथ्स तक आप खुद डिप्रेशन में रहीं, अगर आप उससे ना निकलती तो आप अपने बच्चों का किस तरह से ख्याल रख पा रही होती. आज वो उस तरह से ना उनमें बेहतरी आ रही होती, या अभी उस तरह से ना वो जी रहे होते जिस तरह से आप उनको ज़िंदगी देना चाहते हैं. सो अभी स्पेशल पेरेंट्स जो अभी हमें देख रहे हैं, आप उनको किस तरह से क्या क्या टिप्स देना चाहेंगी कि वो अपने ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक रहे. मुझे लगता है पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ अगर स्टेबल नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप पे एक एडिशनल जिम्मेदारी डाली है. और मैं स्पेशल पेरेंट्स को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि खुद को किसी से कम मत समझें. हमारे यहाँ लोगों को होता है कि हमारा स्पेशल बच्चा हो और आगे पीछे भी बड़ा उनको किया जाता है कि बेचारे है, एक सिंपथी जो मिलती है. नॉर्मल दुनिया को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि स्पेशल पेरेंट अगर आपके आगे पीछे कोई है तो प्लीज़ उसको आप बूस्ट करें इंस्टेड ऑफ सिंपथीज़ देने के. बिकॉज सिंपथीज़ अगर मुझे कोई आगे कहते ना वी फील सो सॉरी आपके दो बच्चों को ऑटिज्म है, इट डजंट हेल्प मी, मुझे कोई फ़ायदा नहीं होता. अब तो मैं इतनी हो गई हूँ 8 साल में कि मैं उनसे कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे लिए तो नेमत ही है. तो आप अपनी मेंटल हेल्थ पे सबसे पहले आपका आपस में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए मियाँ बीवी का, ठीक हो गया. यू नीड टू वर्क एज अ टीम. अगर आपको लगता है कि बाप अकेले काम कर सकता है या माँ अकेले, ये नहीं हो सकता. आपकी अगर बेटी है स्पेशल तो माँ को ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा. अगर बेटा है फॉर इंस्टेंस, जिस समय आप अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि हमारे बेटे 8 साल के हैं, अब इंशाल्लाह आगे जाके ये बड़े होंगे, तो आपको शायद ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा बिकॉज फिजिकली दे आर ग्रोइंग एंड ऑल. और दूसरा ये कि आप इस चीज़ को कबूल करें, अल्लाह ताला की नेमत है आपके बच्चे, आप उनको ओन करें और आप ज़िंदगी को इंजॉय करें, आप अपने बच्चों को इंजॉय करें. हमारे यहाँ ये होता है कि लोग इस चीज़ में खप जाते हैं कि हमारा बच्चा स्पेशल है, हाय आगे हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा. ये एक ऐसा सवाल है जो सारे स्पेशल पेरेंट्स के जहन में रहता है कि हमारे बाद क्या होगा. आप सिर्फ ये सोचें कि क्या फ्यूचर आपके कंट्रोल में है, क्या आपने देखा. मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ एक्सेप्टेंस एक सफ़र है. सबसे पहले आपको गिल्ट होगा, आपको गुस्सा आएगा कि मेरे से शायद कुछ गलत हो गया, एग्रेशन होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे. ये नहीं है कि आप फ़ौरन से ठक करके ऊपर चले जाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं फौरन. ये एक स्लो प्रोसेस है, ख़ुद को टाइम दें, इट्स फाइन. ये बहुत मुश्किल जर्नी है. मैं बिल्कुल शुगर कोट नहीं करती इसको कि बड़ा मज़ा आएगा जी, बहुत टफ है. जब आपको लगता है कि बहुत टफ है, टेक अ ब्रेक, छोड़ दें सब. एक दो दिन बच्चों को भी कोई थेरेपी कुछ भी मत करें, आराम से बैठ जाएं, अपनी अम्मा के घर चली जाएं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं. मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अम्मा से आए, अम्मा बहनें नंदे हैं, ये सारे बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं. हम कल परसों बात करते दादी दादा नानी नाना फूफी खाला, बड़े खूबसूरत रिश्ते जो हमारे पास यहाँ पे हैं. अब एक इशू आ जाता है कि जब आप इस चीज़ से गुजरी हैं तो डेफिनेटली आपने फिर कुछ ऐसे लोगों से भी मिले हैं जो एज में बड़े हों मगर जो ऑटिज़म का शिकार हों, क्योंकि जब आप उनसे भी मिलते हैं तो आप उनसे भी देखते हैं, फिर आप ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं. आपने पेरेंट की बड़ी खूबसूरत बात की है कि आपको बच्चे का दोस्त बनना पड़ता है, उसके उस बबल के अंदर जाना पड़ता है, फिर स्कूल्स के बारे में भी बड़े आपको चूज़ी होना पड़ता है. ये मुश्किल तो अपनी जगह पर हैं, तो कुछ ऐसे लोगों से भी आप मिले हैं जो ऑटिज़म का शिकार हैं, दे नो कि वो इसका शिकार है. बिल्कुल ऐसे लोग हैं. मैं इसी वजह से सोशल मीडिया पे आई क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि ऑटिज़म अगर एक स्पेक्ट्रम है, लोग कहते हैं कि इसमें बच्चे वर्बल भी हैं. ऑटिज़म वाले बच्चे बड़े होते हैं तो वो ऑटिस्टिक ही रहते हैं, वो ऑटिस्टिक एडल्ट्स बन जाते हैं. और बहुत से लोग ऐसे हैं क्योंकि ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम है, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल बात नहीं करते लेकिन वो पोइट्स हैं, वो बिल्कुल बात नहीं करते लेकिन वो म्यूज़िक आर्टिस्ट हैं. क्योंकि इन ऑटिस्टिक लोगों की दे हैव
they are very good with painting, they are very good with art, music, unki memory bahut strong hoti hai. Aur duniya mein aise itne log aapko milenge, bahut main kehti hu hum bahut khushkismat mein, phir keh rahi hu ki social media mein hum aise daur mein reh rahe hain. Aap jaye YouTube pe, aap jaye Google pe, aap dekhe, aapko agar umeed chahiye na to aap aise, aapko aise logon ki videos milengi jo bilkul mute the 12 saal tak unhone baat nahi ki, lekin बाद में वो बोले. और कुछ ऐसे थे जो नहीं भी बोले. इट्स फाइन. मैं सिर्फ माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ कि अल्फाज एक कम्युनिकेशन का वे नहीं है. अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आप उसको कार्ड्स के थ्रू सिखा सकते हैं. आप अब तो ऐप्स आ गई हैं, बहुत डिफरेंट और तरीके जिनसे आप सिखा सकते हैं. कम्युनिकेशन की बहुत वेज हैं. आप एक्सप्लोर करें. आप, मैं कहती हूँ, आप एजुकेट करें खुद को. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके हाथ में हर वक्त फ़ोन है, गूगल है, यूट्यूब है. आप एजुकेट करें आपको, क्योंकि इसका कोई इलाज तो है नहीं, इसके कोई डॉक्टर्स नहीं है. आपको सिर्फ थेरेपिस्ट मिलेंगे, और थेरेपीज भी तभी काम करेंगी जब पेरेंट्स और थेरेपिस्ट एज अ टीम वर्क करेंगे. अगर आपको लगता है कि आपने एक थेरेपी सेंटर में बच्चे को डाल दिया सुबह से शाम तक और वो पता नहीं क्या कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा जब तक आप इन्वॉल्व, घर इन्वॉल्व. ठीक है अमरीन, यहीं पर हम, आपने क्योंकि सोशल मीडिया की भी बात की यहाँ पे, मैं चाहूँगी कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी हम बात करें, स्पेशली क्योंकि हम आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा हम सोशल मीडिया पे भी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं. और वहाँ भी आप बहुत सारी, आपने बताया कि आपने भी एक इनिशिएटिव लिया और वहाँ पर आपने भी जो स्पेशल पेरेंट्स हैं, स्पेशल मदर्स हैं, उनके साथ आप कनेक्ट हुई. वहीं पर मुझे बताइएगा कि मीडिया क्या किरदार अदा कर सकता है ताकि लोग जो बाज़ औक़ात इनसेंसिटिव हो जाते हैं, और जितना काम होना चाहिए इसके ऊपर, जितनी बात होनी चाहिए खुल के, कि कभी हम इसको सेंसिटिव टॉपिक कहने के बाद हम इसको इम्पोर्टेंट टॉपिक कहना शुरू करते हैं. मुझे लगता है कि सोशल मीडिया, अब आपको पता है 2 अप्रैल जो है वो ऑटिज़म वर्ल्ड ऑटिज़म डे है. जी, बड़ा मीडिया एक्टिव होता है, अप्रैल में बड़ी बात होती है ऑटिज़म पर. मुझे लगता है कि मीडिया को एटलीस्ट वंस अ वीक इस पर अवेयरनेस के प्रोग्राम्स होने चाहिए. आपके बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, हर कोई आते जाते बिलबोर्ड्स देखता है. आप इस ऑटिज़म पे, आप एक तरफ दुनिया और सोशल मीडिया आपको बताते हैं कि ऑटिज़म, एक 4 बच्चों में से एक बच्चे में ऑटिज़म होगा और ये बहुत वाइड स्प्रेड है, फैल रहा है. आप सिम्टम्स के फ्लिकर्स लगाएं, मॉल्स में आपकी इतनी बड़ी स्क्रीन्स चल रही हैं, टीवी शोज़ में इस पर बात होनी चाहिए. मतलब मैं तो ऑनेस्टली, मैं बाहर बैठ के मॉर्निंग शोज़ देखती हूँ, आई गेट रियली डिप्रेस. क्योंकि मुझे होता है कि अगर शादियां और इन ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो कि आई डोंट थिंक दे आर इम्पॉर्टेंट. एंटरटेनमेंट इज़ अ फैक्टर, लेकिन दुनिया में बहुत टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे बात होनी चाहिए, एंड इट्स वन ऑफ दैम. थैंक यू वेरी मच. जो आपने बात की, ये बड़ी वैलिड बात की है. मैं जितना भी राइजिंग पाकिस्तान की टीम की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ, कम है. आप उन तमाम माओं के लिए, उन तमाम वालदैन के लिए हिम्मत का बायस हैं कि हमने इस चीज़ को समझना है और समझ के हमने बच्चों का दोस्त बनना है. और ये एक, जैसे उन्होंने एक लफ्ज़ कहा कि स्पेशल मदर, स्पेशल पेरेंट्स, कि आप खुद उस वक्त बहुत स्पेशल आपको होना पड़ता है उन बच्चों के लिए. आप खुद को स्पेशल समझें, आप सुपर हीरोज़ हैं. मैं स्पेशल पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ कि आप सुपर हीरोज़ हैं. आप एक नन्नी नन्नी आपके घर में जाने हैं जिनको लेके आपने आगे चलना है. दे लुक अप टू यू ओनली. आप अपने बच्चे, स्पेशल बच्चे की दुनिया हैं. और PTV के लिए, मैं खुद PTV पे सिर्फ इसलिए आई क्योंकि इज ओनली मॉर्निंग शो. मैं स्क्रॉल थ्रू कर रही होती हूँ, लाइक यू नो, यहाँ जाना है मुझे, क्योंकि आपकी ऑडियंस इतनी माशाल्लाह वाइड स्प्रेड है. और मैं सोशल मीडिया पे भी इसीलिए आई क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो माएँ खुल के बात नहीं करना चाहती, दे कैन टॉक टू मी. दैट इज़ व्हाई आई मेड अ पेज. और बहुत सी माएँ जो मुझे मैसेज करती हैं, वो बहुत, मुझे बहुत खुशी होती है. लाइक सिर्फ बात करके दिल हल्का हो जाता है. सो अगर आपसे कोई बात करने के लिए नहीं है, यू कैन टॉक टू मी. मैं एक माँ हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से दर्द समझ सकती हूँ. और एक बात हमेशा याद रखें, जो आपका फेलो पेरेंट है ना, जिसके पास एक स्पेशल बच्चा है, जैसे वो आपका गम समझेगा, आपकी स्ट्रगल को समझेगा, दुनिया में कोई और नहीं. क्योंकि उनका एक अपना एक्सपीरियंस है, उनका अपना, क्योंकि वो उस सेम जर्नी से गुजर के आ रहे हैं, वो रिलेट कर सकते हैं. अमरीन, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आप राइजिंग पाकिस्तान में तशरीफ लाए और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने बात किया. तमाम माएँ, तमाम लोगों को आपने, तमाम पेरेंट्स को एजुकेट किया कि ये एक चीज़ है जो कि एग्जिस्ट करती है. ये कंडीशन है जो कि एग्जिस्ट करती है. इसको आप डिसेबिलिटी का नाम ना दें, ये एक कंडीशन है जो कि आपके बच्चों के अंदर है. सो जो आपके पास है वो उसी तरह से है, उसको एक्सेप्ट करें. वो आपके पास ब्लेसिंग है. अगर आप यही सोच के आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, तो जाहिर सी बात है कि आप हर मोमेंट को इन्जॉय भी करेंगे. स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको साथ लेके चलना है ताकि आपके बच्चों पे इसका कोई बुरा असर ना पड़े. बहुत शुक्रिया. इसी तरह से आपकी हिम्मत बंधी रहे और हमारी तरफ से बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी, और वो जो प्यारी प्यारी सी नन्ही जाने आपके पास से, उनके लिए भी. बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू. आवर प्लेजर. बिल्कुल जी.
बात ये है कि नहीं सब फ्रेंकली मतलब जिंदगी के कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि जब ये बात करते हैं कि हर तीसरा चौथा बच्चा इसका शिकार हो रहा है और जब इस कैफियत को आप देखते हैं ना तो आपको तकलीफ़ महसूस करते हैं और वो तकलीफ़ जब आप महसूस करेंगे दूसरों को एहसास करेंगे तो आप कर सकेंगे। राइजिंग पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से खुशनसीबी होती है कि जब ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं और फिर यहाँ पर आईटी से लेकर हम बात करते हैं, हम आम एजुकेशन की बात करते हैं, हम कल्चर की बात करते हैं, हम हेरिटेज की बात करते हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, सब कुछ यहाँ से हम करते हैं और आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। इट्स एन ऑनर कि जो अमरीन सोहेब उन्होंने कहा है कि मैं बाकी भी मॉर्निंग शोज़ देखती हूँ मगर वहाँ पर जो मैं एक बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन देखती हूँ उससे हट के ये वो प्रोग्राम था राइजिंग पाकिस्तान जहाँ पर मैंने देखा जहाँ पर इंसान के बारे में बात की जाती है, जो हमारे रियल इश्यूज़ हैं उस पर बात की जाती है और इनफैक्ट हमारा काम ही है कि पाकिस्तान के साथ हम रियल इशूज़ पर बात करें। तो मैं तो उसके साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत माना रखता है और हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो मैं तो आपसे इजाज़त चाहूँगा, हामून रशीद और सबीन फारूक भी आपसे इजाज़त चाहेंगे। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।